And I'm sick and tired of people just questioning my identity, my potential, making fun of certain things. And I was just like, Dad, listen. Listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के. तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया. एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक, डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो. मतलब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 times. अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, मेकिंग फन ऑफ सर्टन थिंग्स. एंड आई वॉज जस्ट लाइक, डैड Listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के. बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता, और आई बिलीव इन डेस्टिनी. एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी, बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा. I feel a hell lot stronger. Something like LSD happened, which हर एक्टर के लिए एक सपना है. जहाँ से मैं आती हूँ, you know, एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पर फोकस करो. पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि यू नो दिस माई ड्रीम, आई रियली वॉन्ट टू डू इट. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा है, आई एम सो सो ग्रेटफुल टू देम. आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे DNA में है. मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इट्स एक्चुअली इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी गुड एट माइक्रो मैनेजिंग पीपल. गाइज आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस के घर में फिर से आ गई हूँ, क्योंकि इतना झगड़ा चल रहा है. सो कैमराज की तो आदत हो गई है बड़ी, है जो सब लोग ऐसे हो गए एक सेकंड ओके इट्स देयर इन द एयर. एमसी एक ही है. या व्हाट डू आई नीड टू से, ओके ओके दिल से कहूँ, अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता. पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ, जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इट्स ओके. बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता, और आई बिलीव इन डेस्टिनी. एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी, बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा. आई फील अ हेल लॉट स्ट्रोंगर. समथिंग लाइक LSD हैपन्ड, विच हर एक्टर के लिए एक सपना है. एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू बिग बॉस, टू द चैनल, टू एकता मैम, टू एवरी वन. बिकॉज जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स बीन अ गुड राइड. आई विश कि मैं AV देख सकती, यू नो, टिश्यू बॉक्स लेकर अपनी पूरी जर्नी दे सकती. बट मैं घर जाके अपने रूम में खड़े होकर वो ज़रूर देखूँगी, अपनी जो जितना सपोर्ट प्यार सबसे मिला है जेन्युइनली. इट्स बीन सो, आई फील सो ग्रेटफुल. I really feel so grateful because I never thought I could do this, but I did it. I'm just very proud of myself. Okay, so you know, Nimrit, ye jana chahengi, agar aap eliminate nahi hote to kaun hota, aapki jagah kaun hona chahiye tha? Meri jagah kaun hona chahiye? Firstly, yaar main koi nahi hoti किसी की भी किस्मत डिसाइड करने के लिए, कौन जाना चाहिए था कौन नहीं, ये सवाल आपको बताना चाहिए. इस सवाल का जवाब कि कौन जाना चाहिए था कौन नहीं, नहीं, बट आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है वहाँ पर?
मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने मेरा नज़रिया था. यू नो, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गेम 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 कैलकुलेशंस नहीं. मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, मैं रिश्तों में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए. जब मेरी सैड सिचुएशन है या मैं गुस्से में हूँ, मैं जैसी भी हूँ, यू नो द गुड साइड द बैड साइड या अगली, दैट शुड रीच. सो अगर अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप फोर तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी याद. अभी आपने रिसेंटली कहा यू नो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो यू नो आपने आपका ब्रेकडाउन भी हमने देखा है शो में, तो क्या उसको लेकर आप और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है या यू नो? आई थिंक जब तक आप अपने आप को किसी भी टफ सिचुएशन में नहीं डालते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. तो उस चीज़ का एहसास हुआ अंदर जाने के बाद, एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल फॉल, बट आई विल ऑलवेज फाइंड द करेज टू गेट अप, बिकॉज नाउ आई हैव सो मेनी पीपल लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, एंड आई फील लाइक जहाँ से मैं आती हूँ, यू नो, एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पे फोकस करो. पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि यू नो दिस इज माई ड्रीम, आई रियली वॉन्ट डू इट. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा, आई एम सो सो ग्रेटफुल टू देम. सो एवरी टाइम आई फॉल, आई नाउ हैव सो मेनी पीपल हु आई कैन इंस्पायर, सो आई एम गोना टेक दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड गेट अप अगेन, फॉल एंड गेट अप अगेन. I just got out of Big Boss, guys. आपने नेशनल टेलीविजन पर एक मेंटल हेल्थ को लेकर बात की, एंग्जायटी के बारे में ओपनली कहा, जो लोग नहीं कह पाते हैं. सो क्या आपको बोलने के लिए आपने बहुत बारी सोचा, क्या था वो करेज आपके, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से टू द फैंस उस बारे में? सबसे पहले तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने सब कुछ कर लिया ब्रो, तो इट्स नो डिफरेंट. जब चीज़ें हुई या जब मेरा डायग्नोसिस भी हुआ, जब भी उतार चढ़ाव रहे, वेदर इट वाज कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट, आई हैवन शाइड अवे फ्रॉम इट. हमें बुखार होता है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक मोर अबाउट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में एम्पथी एक दूसरे के प्रति और बढ़े. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है अंटिल इट गेट्स टू एक्सट्रीम. एंड नो, देर वॉज नेवर अ हेजिटेशन. मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से यू नो, अगर 100 लोग भी मुझे प्यार करते हैं या मुझे देख रहे हैं, मुझसे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और अगर ऑनेस्ट रहकर मैं उन 100 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, उसमें शायद 10 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, तो वही. इतनी ट्रोलिंग करी क्या सबने? क्यों यार, सफाई क्यों दूँ सफाई? ओके, आई जस्ट जोक्स अपार्ट, टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस. आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस. हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है. मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता जितना एक बच्चे और एक यू नो पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है. मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है. यू नो दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वॉन्ट the child to flourish, which is right. But I can also not deny the fact that my dad is a 4G dad. He is very strict. And
यू नो ही वॉज लाइक सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया. एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ. आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 times. अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, मेकिंग फन ऑफ सर्टन थिंग्स. एंड आई वॉज जस्ट लाइक डैड Listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के. एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप. एंड ये बोलना कि नेशनल टेलीविजन पर, अरे नेशनल टेलीविजन पर तो मैं ब्रश भी कर रही हूँ ब्रो, आपको चाहिए रियलिटी शो में कि हम रियल रहें, लेकिन जब एक्चुअली रियल इमोशन दिखता है तो उस पर आप जजमेंट पास कर देते हो कि अरे क्यों, वाई. सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट रिडिकुलस दैट आई इवन हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ. ही इज माई डैड, आई कैन बिहेव लाइक अ 10-year-old इन फ्रंट ऑफ हिम बट नॉट विद एनी वन एल्स. आई कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ अ रैंडम स्ट्रेंजर एंड बी लाइक नो, बट आई कैन टेल माई हार्ट टू माई फादर एंड आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू अंडरस्टैंड My plight. आप लोग शायद वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का एपिसोड देखते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या देखा है, पर मैंने वहाँ दिल से शिद्दत से एक एक सेकेंड गुजारा है एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद मेरी बेस्ट सिचुएशन नहीं थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स. So, yeah. इसके साथ ही आपकी लीडरशिप बाहर निकल कर आई है, निमरत आपकी लीडरशिप बाहर निकल कर आई है. पहले भी आप कैप्टन थी, लास्ट जैसे कि लास्ट भी आप ही का नाम लिया है. मुझे ये बताइए लीडरशिप आने के लिए अंदर से कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो इतने स्ट्रेस के बाद भी लीडरशिप बाहर निकली है. आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे DNA में है. मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, it's actually in my blood and I'm very good at micromanaging people. मेरे अगर आप personality को शायद observe भी किया होगा, जो सब बोलते थे कि जब captain बनती है तो एक अलग रूप है ना, सबने बोला है, किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अलग रूप इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चीज़ों में टांगड़ है. कई बार होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है. सो देर कुड बी टाइम्स where we look at some fight happening और हम आपस में उसका opinion अपना discuss कर सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है या whatever. And cut to there could be also a different situation जहाँ किसी को चोट लगी है, लोग मारपीट कर रहे हैं और हम उतर के जाके उसको रिजॉल्व करके वापस बैठ के फिर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं. I can't be someone जो unnecessary चीज़ें करे, जो मतलब अगर एक आलू पे लड़ाई हो रही है, आई एम सॉरी बट इट इज़ टू पेटी फॉर मी टू इवन हैव अ फाइट ऑन दैट रियली. एंड आई कॉन्ट फेक इट कि ओ अच्छा अभी 150 कैमरा है, रेलिवेंट रहने, हाँ मुझे भी ऐसा, नो आई एम नॉट दैट पर्सन. बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो एवरी टाइम देर इज समथिंग हैपनिंग, एंड जब मुझे एक कैप्टन हूँ तो अभी किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो, लोगों को सुनना तो पड़ेगा. तो जब भी कोई फाइट होती थी, आप अगर ऑब्जर्व करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन. अपना ईगो कभी नहीं रखा, लोगों की ईगो को सेटिस्फाई किए प्यार से जो चीज़ सभ्य तरीके से हो सकती है, उस पर मुझे गाली गलौज करने की, किसी की फैमिली पर जाने की, और मुद्दे से सब भूल जाते कि वो लड़ाई शायद एक आलू पर है. सब आ जाते हैं कि तुम ऐसी हो, नहीं तुम ऐसे हो, और 2 घंटे तक झगड़ा चल रहा है, सबकी बैंड बजा दी एक दूसरे की और भूल ही गए कि लड़ाई किस चीज़ पे, जिसका लिटरली 5 मिनट में एक सोल्यूशन निकल सकता है. निमित, 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 निमित,
इसका मैं एक कानून बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद कि उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की, तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ। एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पे हक रहता है, तो अगर अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ इन चेक। यू आर नॉट, आपके वो बिग बॉस ने कैप्टन बनाया दोनों बार, नॉट द घर वाले, तो डू यू थिंक कि उनको ये नहीं लगा कि यू आर फिट कैप्टन और बिग बॉस ने ही आपको बनाया था? इट वॉजन देयर बोथ एंड मेड यू कैप्टन। Firstly, I want to remind you that captaincy never happened on boats. And which are the two times that you are discussing about the Big Boss making me the captain? The first week. Okay. तो अभी first week की बात करते हैं सिर्फ। First week घर के अंदर घुसकर सबसे पहले Big Boss ने बोला था, अगर आप घर के सारे सदस्यों को convince कर लेती हैं कि ये उनका कमरा रहेगा और ये उनकी duties रहेंगी, तो आप बनेंगी captain। जिसके आई थिंक दो या तीन दिन बाद मुझे फायर किया गया था। शालीन के सर मेरा बकायदा एक टास्क हुआ था जो मैंने जीता था, तो सॉरी बट नोबडी सर्व्ड द कैप्टनसी टू मी ऑन अ प्लैटर। निमृत, हाउ मच डू यू थिंक वी आर स्टार्टिंग टू टैग यू शट हम की बहुत क्लोज फ्रेंड हैं सीमा से के लिए। यस, निमृत, इट हैज बीन सेड अबाउट यू दैट आप कभी भी अकेले नहीं खेले हो, एवरीथिंग हैज बीन सर्व्ड टू यू इन अ प्लैटर, लाइक स्टार्टिंग में कैप्टनसी मिली आपको, एंड में टिकट टू फिनाले भी मिला आपको, सो हाउ मच डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट यू हैव नेवर पेन फ्रॉम यू दैट आपको बस एक पुश दे दे के आगे बढ़ाया गया? क्या आपको ऐसा लगता है? हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? क्या आपको ऐसा लगता है? यही बात पे हाल ही में राजा ने भी यही बात कही थी, हम आपके यहां फुटबॉल को एज इन लाइक हर बार जगाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ही फ्रेंड्स आपके लिए ये कह रहे हैं? और वन सेकंड, आई विल मर्ज द टू। ओके, सो सबसे पहली चीज, आप कह रहे थे कि मुझे कैप्टनसी प्लैटर पे दी है, किसने रद्द करवाया? अच्छा, बिग बॉस की साइड से रद्द हुआ था। आपने एपिसोड देखा नहीं क्या? निमृत, आपसे लव सेक्स और धोखा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन